फिट मील इन 15 के आज के एपिसोड में मैं एक बहुत ही इजी नो कुकिंग रिक्वायर्ड वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. हम इसमें नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल करेंगे. इट इज अ ब्रेकफास्ट रेसिपी बट इट टेस्ट लाइक डेजर्ट. बहुत ही आसान है, बिल्कुल कुकिंग की जरूरत नहीं. इफ यू हैव अ बिजी मॉर्निंग तब आप इसे रात में बनाकर सुबह खा सकते हैं. इफ यू आर रनिंग लेट फॉर वर्क तो आप इसे कैरी भी कर सकते हैं साथ में. तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं. इट इज वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी बिकॉज इट हैज अ सीजनल फ्रूट दैट इज आई थिंक एवरीबडीज फेवरेट एंड इट इज मैंगो. तो चलिए इंग्रीडियंट्स को देखते हैं, फिर इसे बनाना शुरू करते हैं. तो इस डिलिशियस सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये 15 मिनट से भी कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएगी. इसे बनाने के लिए 3/4 कप हमें चाहिए फ्रेश कर्ड या दही. आप योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जो दही मैंने ली है वो थोड़ी थिक है. अगर आप थिक दही नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उसे छलनी में रख दीजिए, उसका एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हैं. 3/4 कप घर का बना हुआ ग्रेनोला या मूसली आप ले सकते हैं. मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं. अगर आपके पास नहीं है तो आप क्विक ओट्स को हल्का सा रोस्ट करके उसमें थोड़े से रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इंस्टेंटली भी उसे बना सकते हैं. नेक्स्ट और तीसरा इंग्रेडिएंट है मैंगो. 3/4 कप फ्रेश जो राइप मैंगो होते हैं, पका हुआ आम, वो हमने लिया है. और 3 या 4 सॉफ्ट डेट्स इसे स्वीटन करने के लिए. ये नेचुरल स्वीटनर होते हैं. डेट्स आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. नाउ मैंगोज़ के बारे में मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ. दे विल एक्चुअली एंड दे कैन एक्चुअली हेल्प यू इन योर वेट लॉस जर्नी अगर आप पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएंगे, बिकॉज दे आर रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, वाइटामिन सी होता है, बहुत सारे और भी इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मैंगोफेरिन जो आपको वेट लॉस में सपोर्ट करेंगे. तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दही को ट्रांसफ़र कर लिया है एक मिक्सिंग बोल के अंदर और मैं हाथ से इसे विस्क कर रही हूँ थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए. नेक्स्ट स्टेप में हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे जिसके अंदर मैंगो और सीड्स को रिमूव करके मैं डेट्स ऐड कर रही हूँ. मैं यहाँ पर 3 डेट्स ले रही हूँ और अगर सॉफ्ट डेट्स होंगे तो अच्छा है, अदरवाइज आप थोड़ा सा सोक कर सकते हैं डेट्स को गर्म पानी में ताकि इनका टेक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाए. इसे ब्लेंड करेंगे. ब्लेंडिंग के लिए मैंने थोड़ी सी दही ऐड की है ताकि हमारा ब्लेंडिंग जार जो है वो फंसे ना, वो अटके ना. और अब ये देखिए बहुत ही स्मूथ टेक्सचर हमारा निकल कर आया है. और अब इस मैंगो एंड डेट्स के पेस्ट को हम ऐड कर देंगे हमारी दही के अंदर. आप दोनों को अच्छी तरह मिक्स करने के लिए मैं हैंड चर्नर का इस्तेमाल कर रही हूँ. आप विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट क्या है कि दही और जो मैंगो का पेस्ट है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. तो बेसिकली ये आपका श्रीखंड बन गया. इसको मैंने पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की हुई थी आपके साथ. बहुत ही डिलिशियस होता है. अब हम इसे असेंबल करेंगे जिसके लिए मैंने ये जार लिया है. आप ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं. जार अगर आप लेंगे जिसका जो ढक्कन है वो एयर टाइट है, अच्छी तरह से लग जाता है, तो आप इसे आसानी से ऑफिस में या फिर एज अ टिफिन अपना कैरी कर सकते हैं.
तो अब असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैंने लेयर दी है एक ग्रनोला की, अगर आप मूसली यूज़ कर रहे हैं तो उसे बॉटम में ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट एक हम लेयर देंगे हमारे मिक्सचर की कर्ड एंड मैंगो के, जो हमने चर्न करके रखा है। एंड देन वी विल रिपीट द प्रोसेस, यानी एक और लेयर जाएगी ग्रनोला की। एंड देन अनदर लेयर ऑफ आर मैंगो एंड कर्ड मिक्सचर। एंड में हम इसे गार्निश के तौर पर ऊपर ग्रनोला ऐड करेंगे। एंड देन वी विल ऐड सम चॉप्ड मैंगोज ऑन द टॉप टू गार्निश इट एंड टू फिनिश इट ऑफ। नाउ एज आई सेड, इंग्रेडिएंट्स बहुत कम हैं क्योंकि ग्रनोला के अंदर ऑलरेडी हम नट्स, सीड्स या फिर कई बार ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं, तो हमें इस रेसिपी में उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली इट टेस्ट डिलिशियस, इट ऑल्सो लुक्स रियली नाइस। आप इसे अगर ऑफिस में कैरी कर रहे हैं, मेक श्योर यू स्टोर इट इन अ कूल प्लेस ताकि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं इस रेसिपी के अंदर। दिस रेसिपी सर्व्स वन पर्सन। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर रनिंग लेट, तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो, या आप अपनी ऑफिस की कैब में जाते हैं तो वहाँ बैठकर इसे ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। आई यूज टू डू इट व्हेन आई यूज टू गो टू वर्क, सो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी। माई हस्बैंड ऑल्सो लाइक्स इट, वो भी कैरी करते हैं इसे ऑफिस में। ही लाइक्स टू हैव इट एज अ स्नैक एज वेल। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ तो आपकी इम्यूनिटी के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए, एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए और डिजीज़ को फाइट ऑफ करने के लिए काफ़ी अच्छी रेसिपी है। आपकी गट हेल्थ के लिए, गट के ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए भी ये आपको हेल्प करेगी। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आप इसकी पिक्चर लेके भी मेरे साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इस रेसिपी की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, इसकी टेक्स्ट रेसिपी और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए डोंट नॉट फॉरगेट टू विजिट माई वेबसाइट, दैट इज www.foodfitnessandfun.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव। नाउ बी बैक वेरी सून। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।